यस बैंक पर लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं संतोष, हमारे एक यूट्यूब के दर्शक है, नाम इनका नहीं पता है लेकिन जिस हैंडल से सवाल पूछ रहे हैं उस हैंडल का नाम है एमजी क्रिएशन। दो सवाल है इनके, वोडाफोन आइडिया पर लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं और यस बैंक पर लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। देखिए, येस बैंक की मैं बात करूं तो इस येस बैंक में अगर आप देखें तो जो है वैल्यूएशन वाइज और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर अगर आप देखें तो हम लोग प्राइस टू बुक देखते हैं तो 1.8 टाइम्स के आसपास प्राइस टू बुक है। प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट इन अ ग्रेट शेप। अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 2% के आसपास है, तो जो कि बहुत ही खराब मानी जाती है। और बैंकिंग सेक्टर में जो रिकवरी आई है, आई थिंक लास्ट जो बैंक रही है वो येस बैंक रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको बहुत लॉन्ग टर्म व्यू ना देखें क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है कंपनी में उतनी ज्यादा। बेहतर बैंकें आपके सामने हैं, अगर आप सरकारी बैंक को देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग काफी अच्छा कर रही हैं। और अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से होगी। और वेल्थ ये क्योंकि ये सारी इकोनॉमी में वेल्थ देते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको, तो ये बैंकिंग जो कि प्रॉफिटेबल हैं काफी अच्छी हैं, वैल्यूएशन काफी रिजनेबल हैं, करीब करीब 1 से 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू है। ये डिस्पाइट कि आप समझो कि अब तक नंबर अच्छे नहीं है, उसके बावजूद भी वैल्यूएशन इसके काफी बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की ना सोचें इस स्टॉक में। दूसरा, अगर